वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 7 अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। श्लोक संख्या 37। लोकपाला ऊचु दृष्टा किं नो दृंगिसंग्रहेस्तम प्रत्यंग्रष्टा दृश्यते येन विश्वम् माया हे सा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठा पञ्चभिर्भासि भूते लोकपाला ऊचु दृष्टा किं नो दृंगिसंग्रहेस्त्वम् थोड़ा कठिन है क्या? दृष्टा किं नो दृंगिसंग्रहेस्त्वम् प्रत्यंग्रष्टा दृश्यते येन विश्वम् माया हि सा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठा पञ्चभिर्भासि भूते लोकपाला ऊचु दृष्टा किं नो दृंगिसंग्रहेस्त्वम् प्रत्यंग्रष्टा दृश्यते येन विश्वम् माया हि सा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठा पञ्चभिर्भासि भूते वैष्णो देवियां शब्दार्थ बोलिए। लोकपाल विभिन्न लोकों के पालकों ने ऊचु कहा, तो आप लोग जानते हैं ऊचु बहुवचन है, वाच एक वचन है ना, श्री भगवान वाच, अर्जुन वाच है ना, सूत वाच, श्री शुक वाच, ऊचु बहुवचन है, लोकपाला बहुत से हैं। ऊचु कहा, दृष्टः देखा हुआ, किम क्या, नः हमारे द्वारा, दृग्भिः इंद्रियों से, असंग्रह दृश्य जगत को प्रकट करने वाले, त्वं तुम प्रत्यक्ष दृष्टा आंतरिक साक्षी,
दृश्यते देखा जाता है, ये न जिससे विश्वम ब्रह्मांड माया भौतिक जगत ही, क्योंकि ऐसा यह भवदीय आपकी ही निश्चय ही भूमन हे ब्रह्मांड के स्वामी, यह क्योंकि तुम षष्ठ छठवां पंचभिः पांच भासी प्रकट होते हो भूतः तत्वों से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। विभिन्न लोकपालों ने इस प्रकार कहा, हे भगवान, हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर विश्वास करते हैं। क्या मतलब प्रतीति का मतलब? हाँ, अनुभूति। हाँ, अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति पर विश्वास करते हैं। हम अपनी प्रत्यक्ष प्रतीति पर विश्वास करते हैं, किंतु इस परिस्थिति में हम नहीं जानते कि हमने आपका दर्शन अपनी भौतिक इंद्रियों से किया है। मतलब निश्चित नहीं हो रहा है, अभी हम जो है निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमने देखा आपका, क्या हमने आपका दर्शन किया। इन इंद्रियों से तो हम दृश्य जगत को ही देख पाते हैं, किंतु आप तो पांच तत्वों के परे हैं, आप तो छठवें तत्व हैं। अतः हम आपको भौतिक जगत की सृष्टि के रूप में देख रहे हैं। तो इसको समझेंगे इस श्लोक के शब्दों के द्वारा। अभी अनुवाद हमने जो सुना है दोहराया है, तो इस श्लोक के शब्दों में किस तरह से हम इसको समझें। तो लोकपाला ऊंचू, लोकपालों ने कहा, तो अभी लोकपाल बोल रहे हैं, तो लोकपालों को भी हम समझेंगे। इसमें चित्र भी बना हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, दृष्टा किम नो, क्या देखा है, है? क्या देखा है या देखे गए, दृष्टा का देखे गए, नो दृग भी हमारी इंद्रियों के द्वारा, हमारी नेत्रों के द्वारा क्या आप देखे गए हैं, असत भी, हमारी तो असत इंद्रियां हैं, असत ग्रह, ये असत ग्रह हैं, असत को ही ग्रहण करने वाली हमारे जो नेत्र हैं, दृष्टि है, असत को ही ग्रहण करने वाली है। क्या इस दृष्टि से हमने आपको देख लिया, है ना? एक बड़ा एक जो है ये क्रांतिकारी प्रश्न है। देख तो रहे हैं लेकिन इसमें बहुत गहरा विचार है, है ना? क्या आप हमारे नेत्रों के द्वारा देखे गए? कि हमारे नेत्र तो देखते हैं असत, जो असत का मतलब है अनित्य, अनित्य जगत को देखते हैं हमारे नेत्र। प्रत्यक्ष दृष्टा, प्रत्यक्ष दृष्टा तो आप हैं, असली देखने वाले तो आप हैं। दृश्यते येन विश्वम, जिनके द्वारा संपूर्ण विश्व देखा जाता है, तो आप देखते हैं सबको, है ना? लेकिन हम आपको नहीं देख सकते, है ना? क्या हमने देखा आपको? इसका मतलब नहीं देखा ना? माया हेसा भवदी यही भूमन, तो हे भूमन, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हाँ, ये आपकी माया ही है। माया ही ऐसा भव दिया, आपकी माया ही है, जो कि जिसके कारण, चूंकि आप छठवें हैं, षष्ठा का मतलब छठवें हैं, आप पांच तत्वों से अलग हैं, उसको कहते हैं छठवें। पांच तत्व हैं, पांच भौतिक ये शरीर है, पांच भौतिक ये जगत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना हुआ है। तो आप छठवें हैं, मतलब आप जो है पांच भौतिक नहीं है, आपका शरीर पांच भौतिक नहीं है, आप छठवें हैं, है ना? ये इस प्रकार की विधि है बोलने की, आप छठवें हैं, छठवें तत्व हैं, मतलब पंच तत्वों से परे हैं, आपका शरीर पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है। षष्ठा यस्तुम षष्ठा, क्योंकि आप तो छठवें हैं, पंचभिर भासी भूत है, लेकिन हमें जो है पंचभूतों में ही आप दिखाई पड़ रहे हैं, आपका जो शरीर हमें पंच भौतिक दिखाई पड़ रहा है, तो क्या हमने देखा, है ना? तो ये जो है एक बहुत ही गहरी विचारधारा है कि क्या हमने देखा, है ना?
तो ये है निरीक्षण की बात है, आत्मनिरीक्षण की बात है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, विभिन्न लोकपाल निश्चित रूप से ऐश्वर्यवान होने के कारण घमंडी हैं, है ना, इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं घमंडी हैं, लेकिन साथ साथ वे अपने घमंड को भी देख रहे हैं, तो मतलब एक बड़ी बात है ना, कि जो व्यक्ति घमंडी होता है वो अपने को घमंडी नहीं मानता, आप समझे ना। तो ये जो है मतलब उसका घमंड होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने को घमंडी मान ले, है ना, तो इसका मतलब उसके अंदर विनम्रता है, आप समझे ना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐश्वर्यवान होने के कारण घमंडी है, है ना, लेकिन हाँ घमंडी इतने नहीं है कि वे अपने को घमंडी ना समझ पाए। कम से कम वो समझ रहे हैं घमंडी, और ये भी देख रहे हैं कि घमंड के कारण हम आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, विनम्रता है ना, है ना। घमंडी व्यक्ति अपने को घमंडी कभी नहीं कहता, अगर आप उसको घमंडी कहोगे तो लल पड़ेगा, मुझे घमंडी कहा, तुम घमंडी हो, आप समझे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसे लोग भगवान के दिव्य शाश्वत रूप को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिन्होंने अपनी आंखों में ईश्वर प्रेम रूपी अंजन लगा रखा है, वे पद पद पर श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का प्रसिद्ध श्लोक है, क्या है, प्रेमांजन छ्रुत भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो ईश्वर प्रेम का अंजन हो तब वो पद पद पर श्री भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, कुंती ने अपनी प्रार्थना में भागवत 1.8.26 कहा है कि जो अकिंचन गोचरम है, त्वाम अकिंचन गोचरम है, नैवार हत्या विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचरम। तो भगवान तो अकिंचन गोचर हैं, अकिंचन गोचर का मतलब जो दिखाई दें, और अकिंचन माने जिसके पास कुछ नहीं है, है ना, जिसके पास कुछ नहीं है उसको ही भगवान दिखाई पड़ते हैं, है? तो प्रभुपाद लिखते हैं, अर्थात धन से फूले हुए नहीं रहते, धन हो है? सब कुछ भी है, लेकिन तो भी उनको अकिंचन कहा जाता है अगर उनको इस बात का घमंड नहीं होता कि हमारे पास है, है ना। अकिंचन का ये मतलब नहीं है कि कुछ ना हो उसके पास, उसके पास सब कुछ भी हो लेकिन तो भी वो अपने को स्वामी नहीं समझता है, हैं, भगवान को ही स्वामी समझता है, हैं, आसक्त नहीं है, तो वो भगवान को देख सकता है, तो उसको अकिंचन कहा गया है, अकिंचन गोचरम। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे ही श्री भगवान को देख सकते हैं, अन्य लोग मोहग्रस्त होने के कारण परम सत्य के विषय में सोच तक नहीं पाते। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो पहले तो लोकपाला ये जो शब्द आया है, तो इसको हमने चित्र में दिखाया है कि लोकपाल का मतलब क्या है। वास्तव में लोकपाल या दिक्पाल एक ही मतलब है, जो 8 दिशाएं हैं, तो उन दिशाओं में जो निवास करते हैं देवता लोग, तो उनको लोकपाल कहते हैं या दिक्पाल कहते हैं। और दिशाएं कितनी हैं, 8 दिशाएं, है ना, 4 तो मुख्य दिशाएं हैं और 4 उनके कोण हैं बीच बीच के। तो अगर हम शुरू करें उत्तर दिशा से, तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, हमेशा नक्शा में चित्र में उत्तर दिशा ऊपर की ओर दिखाई जाती है। तो उत्तर दिशा में कुबेर हैं लोकपाल, तो इनकी महोदया नाम की पुरी है और वहाँ पर निवास करते हैं। ये वास्तव में सुमेरु पर्वत के शिखर में है, सुमेरु पर्वत के बीच में ब्रह्मा जी की पुरी है, वो मनोवती नाम की पुरी बताई गई है, और ब्रह्मा जी के चारों दिशाओं में या 8 दिशाओं में 8 दिक्पाल हैं। तो उत्तर दिशा में महोदया नाम की पुरी है जहाँ कुबेर निवास करते हैं। फिर उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण बोलते हैं, या उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व ईशान कोण में ईश माने शिव जी की पुरी है, ये यशोवती नाम की पुरी है जहाँ निवास करते हैं शिव जी। फिर पूर्व दिशा में अमरावती नाम की पुरी है जहाँ इंद्र निवास करते हैं। इसके बाद पूर्व दक्षिण दिशा अग्निकोण बोलते हैं इसको, इसमें तेजोवती नाम की पुरी है जहाँ अग्नि देवता निवास करते हैं। इसके बाद कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में संयमिनी पुरी है जहाँ यम निवास करते हैं, यमराज। इसके बाद
दक्षिण पश्चिम है ना, इसको कहते हैं नैऋत्य कोण। इसमें नैऋत्य नाम के देवता हैं, निवास करते हैं। कृष्णांगना नाम की पुरी है, नैऋत्य नाम के देवता निवास करते हैं, उसको राहु बोला जाता है। फिर पश्चिम दिशा में श्रद्धावती नाम की पुरी है, जहां वरुण देवता निवास करते हैं। इसके बाद पश्चिम उत्तर बीच की वायव्य कोण दिशा है, जहां गंधवती नाम की पुरी है और वायु देवता निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आठ दिशाओं में आठ लोकपाल हैं जो निवास करते हैं। और श्रीमद् भागवत में पांचवें स्कंद में इनका वर्णन आता है, और प्रभुपाद जी जो है फिर इनके नाम बताए, तात्पर्य में इनके नाम बताए हैं, आठ दिशाओं के और आठ लोकपालों के नाम बताए हैं। तो इस तरह से ये जो लोकपाल हैं, ये अपनी पतित अवस्था को स्वीकार करते हुए भगवान से कह रहे हैं, है ना। और भगवान को क्या दीनता प्रिय है, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, है ना। तो भगवान को दीनता प्रिय है। भगवान को देखने की विधि यही है कि जब हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास नेत्र नहीं है आपको देखने के, तो फिर भगवान नेत्र देते हैं देखने के लिए, है ना। लेकिन अपने नेत्रों पर हम बहुत विश्वास करते हैं कि हम देख सकते हैं भगवान को, तो हम वास्तव में नहीं देख पाते, आप समझे ना। जैसे कि शिवजी थे, तो शिवजी को बड़ा विश्वास था कि मैं भगवान को देखूंगा, मोहिनी रूप, आपका मोहिनी रूप मैं देखना चाहता हूँ, है ना। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो उसके पहले विष उत्पन्न हुआ था, तो विष के कारण शिवजी कुछ समय के लिए मूर्छित अवस्था में हो गए थे। तो इसी बीच में जो है मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने अमृत जो है देवताओं को पिला दिया, और असुरों को अमृत नहीं मिला। और जब शिव जी होश में आए, तो उन्होंने पूछा कि अब क्या हुआ, क्या क्या हो गया, तो पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो उनको ओहो, मैंने तो देखा नहीं, तो गए भगवान के पास कि आप, मैंने सुना आपने मोहिनी रूप धारण किया, तो मैं तो विष के प्रभाव से उस समय अचेत हो गया था, तो आप जरा मुझे दिखाइए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो रूप जो है मोहित करने के लिए मैंने धारण किया था, असुरों को मोहित करने के लिए धारण किया था। तो शिव जी बोले नहीं नहीं, मैं तो देख लूंगा, मुझे थोड़ी मोह होगा, है ना। तो जहां उनको इस प्रकार का ये विश्वास हुआ कि मैं तो देख लूंगा, तो भगवान ने दिखाया, और शिव जी देख नहीं पाए, है ना, क्या हुए, मोहित हो गए। इस प्रकार से जो है, मतलब भगवान को देखने का जो तरीका है वो यही है कि जब हम ये स्वीकार करें कि हमारे पास वास्तव में देखने की शक्ति नहीं है। तो एक दृष्टि से ये जो लोकपाल हैं, ये जब कह रहे हैं कि हम नहीं देख पा रहे हैं आपको, तो इसमें एक दूसरा भाव ये भी है, दूसरों के लिए शिक्षा दे रहे हैं, हम लोगों की शिक्षा दे रहे हैं कि वास्तव में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। वे तो देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो कभी कभी अपने माध्यम से दूसरों के लिए भी कभी कभी कोई बात कही जाती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, दुर्दैव मी दृश्य में हाँ जनि नानुरागा, कि मेरा दुर्भाग्य है आप कैसे नाम हो, मेरा अनुराग नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में अपने लिए नहीं कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, हम लोगों के लिए कह रहे हैं, है ना। तो वास्तव में तो ये जो है शिक्षा के लिए ये महापुरुषों की ये विधि है कि वे अपने को मान लेते हैं कि मैं ही सबसे पतित हूँ, भक्ति मनोहर ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, अपने को ही पतित मानते हैं कि मैं ही कितना पतित हूँ, तो वो थोड़ी ही पतित। हाँ, वो अपने को मान रहे हैं, ये भी मतलब है कि भगवान को ये दीनता प्रिय है, वो ऐसी बात नहीं कि अपने को नहीं मान रहे हैं, अपने को समझ रहे हैं ऐसा। लेकिन अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो वे हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे पास दृष्टि नहीं है देखने की। तो जब तक हमें प्रेम का अंजन हमारे नेत्रों में ना लगाया जाए, तब तक हम भगवान को नहीं देख सकते हैं, है ना। और वो जो प्रेम का अंजन है वो कैसे प्रकट होगा, जब हम श्रवण करते हैं। तो वास्तव में भगवान को देखने की जो विधि है वो श्रवण करना है। जब हम भक्तों के मुख से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तब हमारे पास वो नेत्र विकसित होते हैं कि हम भगवान को देख पाएं। तो वो नेत्र जो है हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम श्रवण करते हैं शुद्ध भक्तों के मुख से। उसी को कहते हैं प्रेम का अंजन, जब लगता है हमारे नेत्रों में या हमें वो नेत्र प्राप्त होते हैं,
तो हम देख पाते हैं। तो गीता में एक श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, परम दृष्टवान वर्तते, है ना। तो उसमें बताया गया है कि जब परम दृष्टवा, जब कोई व्यक्ति भगवान को देख लेता है तो निवर्तते, उसका जो रस है भौतिक संसार का जो रस है वो समाप्त हो जाता है। तो हम देख रहे हैं भगवान को, लेकिन हमें इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने भगवान को देख लिया, क्योंकि अगर आपने भगवान को देख लिया तो फिर भौतिक संसार के जो रस है, विषयों का, इंद्रिय तृप्ति का जो रस है, वो फिर आपको जो है निरस हो जाएगा आपके लिए, तब माना जाएगा कि हाँ आपने देखा भगवान को, है ना। तो इसमें जो श्री भगवान ने कहा, मैं जो व्याख्या लिखी गई है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, परम दृष्टवा की व्याख्या। यहां पर भगवान कह रहे हैं, रसोप्यस्य परम दृष्टवान वर्तते, अर्थात परमेश्वर का दर्शन करने पर उसका भौतिक विषयों के प्रति रस समाप्त हो जाता है। तो यहां पर परम दृष्टवा का सामान्य अर्थ है परमेश्वर का दर्शन करके। श्री कृष्ण का एक नाम पर भी है, पर का अर्थ है वो पुरुष जो भौतिक प्रकृति से परे है। तो यहां पर भी श्री कृष्ण को पर नाम से संबोधित किया गया है। अब हम दृष्टवा शब्द पर विचार करेंगे। दृष्टवा का सामान्य अर्थ है देखकर, परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो दृष्टवा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जिस समय हनुमान जी लंका से लौटकर श्री राम के निकट आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सीता जी को तत्व से देखा है। तो हनुमान जी कहते हैं दृष्टा सीते तत्वतः, कि मैंने तत्व से सीता जी को देखा है। अब यहां पर सीता जी को देखने का अर्थ क्या है? सीता जी को देखने का अर्थ केवल देखना ही नहीं है, बल्कि सीता जी को पहचानना, उनके गुण जानना, उनसे बातचीत करना, सब कुछ है। इस संबंध में एक अन्य उदाहरण भी दिया जा सकता है। जब वधु पक्ष के लोग वर को देखने के लिए उसके घर में आते हैं, क्या वधु पक्ष के लोग वर को देखने के लिए उसके घर में आते हैं, तो वर को देखने का अर्थ केवल देखना ही नहीं है, बल्कि उसके विषय में सब कुछ जानना है। जब कोई व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह किसी पुरुष के साथ करना चाहता है तो वो खूब विचार करता है कि वो पुरुष कैसा है, उसकी आयु कितनी है, उसका रूप रंग कैसा है, वो क्या काम करता है, उसका स्वभाव, आचरण तथा व्यवहार कैसा है, वो मेरी कन्या के साथ जीवन भर निर्वाह कर सकेगा या नहीं, वो मेरी कन्या के लिए योग्य वर है या नहीं है? और जब ये कहा जाता है कि उसने लड़का देख लिया है तो ये समझना चाहिए कि उसने ये बात निश्चित कर ली है कि वो अपनी कन्या का विवाह उस लड़के के साथ ही करेगा कि नहीं। जब वो कहते हैं कि देख लिया, लड़का देख लिया, मतलब सब देख लिए, सब गुण रख लिए और निश्चित भी कर लिया कि विवाह करूं। उसी प्रकार यहां पर परम दृष्टवा का अर्थ है कि जीव ने श्री कृष्ण के गुणों को भली भांति सुनकर ये निश्चित कर लिया है कि उसे एकमात्र श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी बनाना है। देखने का मतलब ये है ना, एकमात्र श्री कृष्ण की ही शरण लेनी है तथा एकमात्र श्री कृष्ण की इच्छा तथा आदेश के अनुसार कार्य करना है। अगर ये निश्चित नहीं हुआ तो आपने क्या देखा? भगवान कहते हैं माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ, है ना। अगर आपने अभी निश्चित नहीं किया, अभी देखते हैं, तो इसके अंदर आपने देखा नहीं है, अभी आप तैयार नहीं हैं, आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या देखा? नहीं देखा। यहां पर परम दृष्टवा का अर्थ है श्री कृष्ण को देखना, उनकी वाणी सुनना, उनका स्पर्श करना, उनके शरीर की सुगंध सूंघना तथा उनको अर्पित भोग का रसास्वादन करना, ये सब कुछ समझना चाहिए। इस प्रकार जब जीव अपनी पांचों इंद्रियों से श्री कृष्ण की अनुभूति प्राप्त कर लेता है तो फिर उसका भौतिक रूपों को देखने, भौतिक संगीत को सुनने, भौतिक शरीर का स्पर्श करने, भौतिक वस्तुओं की सुगंध सूंघने और भौतिक पदार्थों को चखने के प्रति रस बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आप समझ रहे हैं, है ना। तो परम दृष्टवा निवर्तते, रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो फिर जो है, जो
पांच भौतिक वस्तुओं के जो पांच प्रकार के रस हैं वो जो है निवर्तते, लौट जाते हैं, वो लौट जाते हैं, क्योंकि आपको ये उच्च रस प्राप्त हुआ है, हायर टेस्ट है ना। तो देखने का मतलब क्या है, हायर टेस्ट प्राप्त करना, निवर्तते। इस प्रकार परम दृष्टवा का अर्थ हुआ श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करके। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि जब जीवात्मा उनके साथ पांच प्रकार के मुख्य रसों में से किसी एक रस में संबंध स्थापित कर लेता है तो उसका भौतिक भोगों के प्रति रस समाप्त हो जाता है। संबंध मानना, देखने का मतलब क्या है, संबंध मान लेना, अपना जान लेना संबंध क्या है। पांच प्रकार के मुख्य रस हैं, शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इस प्रकार जीवात्मा जब तक इन पांच प्रकार के दिव्य रसों में से किसी एक रस में स्थित नहीं हो जाता है तब तक उसका भौतिक भोगों के प्रति रस समाप्त नहीं होता है ना। तो यहां पर जो लोकपाल हैं जो कह रहे हैं कि पंचभिर्भासी भूत है, ये पंचभूत या पंच महाभूत है, तो इनमें जो है हम आपको देख रहे हैं, हम आपको ये देख रहे हैं ना, तो हमें आप जो है इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनका बना हुआ आपका शरीर हमें दिखाई दे रहा है ना। तो इसकी बड़ी निंदा की गई है, जो व्यक्ति भगवान को जो है पांच भौतिक देखता है, जो व्यक्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः सर्वस्मात् बहिष्कार्यः स्रोत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचल स्नानम आचरित। तो जो व्यक्ति जो है भगवान के शरीर को पांच भौतिक मानता है तो सर्वस्मात् बहिष्कार्य स्रोत स्मार्त विधानतः, तो जितने भी अपने लौकिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, पारिवारिक कार्य हैं, उनसे उसको अलग कर देना चाहिए, अपने समाज से उसको अलग कर देना चाहिए, उसको दूर कर देना चाहिए, और इतना ही नहीं उसका मुंह देख करके वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है ना, तो मतलब भक्ति की ये विधि है। लेकिन अभी तो ऐसे ही लोग हैं, सभी लोग ऐसे हैं, बल्कि हमारी भी स्थिति ऐसी ही है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ये जो है निकृष्ट स्थिति है, बहुत ही पतित अवस्था है ना। तो हमें इस अवस्था से नफरत करना चाहिए, हमें अपनी इस अवस्था से नफरत करना चाहिए है? तब हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। इसी में संतुष्ट ना रहें कि हमने देख लिया, है ना। जब प्रभुपाद देखते थे भगवान को तो भगवान से बातें करते थे, प्रभुपाद जब देखते थे तो भगवान से बातें करते थे ना। सनातन गोस्वामी जब देखते थे तो मदन मोहन जी से डायरेक्ट बातें करते थे, डायरेक्ट बातें करते थे। और प्रभुपाद जी ने कई स्थानों में कहा भी है कि आप बात कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बात हो, बहुत दूर की बात हो, ऐसा नहीं है, बल्कि भगवान के अर्चा विग्रह से आप सामने आमने सामने बातें कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आप कर सकते हैं अगर आप विधि का पालन करते हैं। अर्चा विग्रह के लिए सबसे अच्छी चीज़ें आप जो है ला करके दीजिए, सबसे अच्छा उनको जो है भोग दीजिए, सबसे अच्छा सब कुछ जो है भगवान के लिए आप करते हैं तो भगवान जो है बातें करते हैं ना। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें भगवान बातें करते हैं। तो भक्तों की मतलब ऐसी दृष्टि होती है कि जब देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देते हैं कि साक्षात भगवान हैं, है ना। कल भी हमने पढ़ के सुनाया था कि रामानंद राय ने जो है चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया, है ना। तो बहुत से प्रश्न तो चैतन्य महाप्रभु करते रहे और वो उत्तर देते रहे, तो अंत में उन्होंने ये कहा कि आपने मुझे कोई उपदेश तो नहीं दिया लेकिन अंदर से ही आपने मुझे तत्व का बोध कराया और मुझसे बुलवाया। तो कभी कभी भगवान जो है उपदेश नहीं देते हैं स्वयं, और हृदय के अंदर से ही वो तत्व का बोध करा देते हैं और मुँह से निकलने लगता है। जैसे ब्रह्मा जी के भी मुँह से निकला है और वेदों का तत्व भगवान ने हृदय में ही उनको बोध कराया। तो इसी प्रकार से
राम मंदराय कहते हैं कि आपने प्रश्न पूछ पूछ करके मेरे मुख से निकलवाया और मुझे तत्व का बोध करवाया, तो मेरे सब संशय दूर हो गए। एक संशय अभी मेरा बना हुआ है, अब एक संशय मेरा बना हुआ है जिसको आप दूर कीजिए। तो उन्होंने कहा, रामानंदराय ने कहा कि वो संशय ये है कि मैं पहले तो आपको देख रहा था कि आप गौर वर्ण के सन्यासी हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल झूठी बात है, आप दिखावा कर रहे हैं, ना तो आप गौर वर्ण के हैं ना आप सन्यासी हैं, आप तो हैं सांवले रंग के हैं और सन्यासी नहीं हैं, आप गोप बालक हैं। मैं आपको देख रहा हूं कि एक सांवले रंग के आप एक गोप बालक हैं जो बंसी बजा रहे हैं, और आपके सामने एक जो है देवी है, सोने की देवी खड़ी है, जिसके कांति से जो है आपका पूरा शरीर ढक रहा है, तो ये जो रहस्य है ये आप मुझे बताइए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु फिर उनको जो है किस तरह से टाल रहे हैं और नहीं बताना चाहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो जो है आपकी दृष्टि है, आप इतने आपका इतना कृष्ण प्रेम है कि आपको सब जगह कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। और देखो ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि जब ऐसी तारीफ की जाती है तो हम लोग सोचते हैं हाँ मैं बड़ा कृष्ण का भक्त हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना, क्योंकि आप मुझको जो है आप अपने रूप को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो स्वयं मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं और अब मुझे जो है आप मेरे साथ कपट कर रहे हैं, ये आपका कैसा व्यवहार है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बात को जो है मतलब नहीं सुना, उन्होंने पकड़ लिया कि नहीं नहीं आप जो है आप कपट छोड़ करके अपना रहस्य बताइए क्या है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना रूप दिखलाया और राधा रानी का रूप दिखलाया और फिर दोनों मिलकर के एक हो गए चैतन्य महाप्रभु, ऐसा देख करके वो मूर्छित हो गए, रामानंदराय मूर्छित हो गए, और तब चैतन्य महाप्रभु ने हाथ से जो है उनको स्पर्श करके चेतन किया है? और फिर भगवान बोले कि मैं पूरे संसार के साथ तो कपट कर रहा हूँ, अपने को छिपा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी प्रेम शक्ति इतनी अधिक है कि मैं अपने को छिपा नहीं सकता, मैं तुम्हारे सामने अपने को अपने किसी भी कार्य को गुप्त नहीं रख सकता हूँ, तो मेरी शक्ति नहीं है कि मैं अपने किसी कार्य को तुम्हारे सामने गुप्त रख सकूँ, क्योंकि तुम्हारी प्रेम शक्ति ज़्यादा है, मेरी शक्ति से ज़्यादा तुम्हारी प्रेम शक्ति है। तो भगवान प्रेम के इतने वश में है, प्रेम के सामने इतने कमजोर हैं कि भगवान छिप नहीं सकते हैं। तो भगवान ने रामानंद राय को ऐसा कहा, है ना। तो वही प्रेम के बल पर है कि हम भगवान को जब देखते हैं तो अपना भगवान के साथ संबंध जान पाते हैं, भगवान को देख पाते हैं। गौरीदास पंडित भी जो है जब गौरनिताई का दर्शन करते थे तो उनके सामने आमने सामने बात होती थी, है ना। तो अभी गौरनिताई हैं वहाँ, वही गौरनिताई हैं कालना में, है ना, लेकिन सब कोई तो नहीं देख पाता इस तरह से जैसे वो देखते थे। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो कि हमने चर्चा की। तो अब मैं चाहूँगा कि आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न हो, चर्चा हो, समीक्षा, या मैं प्रश्न करूँ। ठीक है, आपका हाथ उठा रही हैं, हाँ माता जी बोलिए। सब कुछ सुनाई पड़ रहा है, हैंड माइक दे दो जल्दी जल्दी दो। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया। प्रभु जी एक प्रश्न हमें हमेशा डिवोटीज पूछते हैं, लेकिन शायद मैं कुछ अच्छी तरह से उनके प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाती हूँ। जैसे हमें कोई भी एक दिव्य स्वप्न आता है महाराज गुरु महाराज के बारे में या प्रभुपाद के बारे में या डीटीज के बारे में, तो हमें ये स्वप्न किन को बताना चाहिए या किन को नहीं बताना चाहिए? देखिए ऐसा है कि दो तरह के सपने होते हैं। एक सपना तो होता है कि जैसे हमने देखा भगवान का दर्शन किया, सपने में भी दिखाई दिए, तो उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, आप समझ रहे हैं। जैसे आप भक्तों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, सपने में भी आप देखते हैं, तो उस सपने में और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपने जो है वही
अभ्यास आपका अगर बना हुआ है सपने में अगर दिखाई देता, अच्छी बात है कि सपने में आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये विशेष नहीं है, आप समझे। लेकिन विशेष सपना क्या है, जैसे माधवेंद्रपुरी ने देखा, और माधवेंद्रपुरी को भगवान ने सपने में जो बताया वो बात जो है कोई नहीं जान सकता है अन्यथा। उन्होंने बताया कि मैं इस स्थान पर दबा हूं और मुझे निकालो। अब सोचिए कौन जान सकता था, यहां तक कि बिना उस झाड़ झंखाड़ और कांटों के जो है मतलब दूर किए कोई व्यक्ति वहां जा भी नहीं सकता था उस झाड़ी में है? तो माधवेंद्रपुरी भी नहीं जा सकते थे। माधवेंद्रपुरी ने फिर वहां के जो ब्रजवासी उनको एकत्रित करके और कहा कि वहां गोपाल जी जो है दबे पड़े हैं और वो बहुत कष्ट पा रहे हैं, उनको जो है निकालना है, चलो मैं बताता हूँ जैसा वैसा वैसा रास्ता बनाते जाओ। तो वो जो कुल्हाड़ी कुदाल लेकर के आए, उन्होंने जो है सब झाड़ झंखाड़ कांटे वगैरह सब काट करके और जब रास्ता बनाया तब माधवेंद्रपुरी गए और बताया कि यहाँ पर गोपाल जी दबे पड़े हैं और निकाला उनको, गोपाल जी को निकाला है ना। तो ये सपना कुछ ऐसा है जो कि आप ऐसी बातें पता चलती हैं कि अन्यथा आप जान नहीं सकते, नहीं तो कैसे पता चलता, किस विधि से आप जान सकते थे कि भगवान यहाँ दबे पड़े हैं। या रेमुणा में जो पुजारी था गोपीनाथ जी का, तो उसको जब भगवान ने सपना दिया कि माधवेंद्रपुरी नाम का मेरा एक भक्त है जो कि बाहर बाजार में बैठा हुआ है और उसको जो है ये जो पात्र है खीर का वो दे के आओ। अब माधवेंद्रपुरी नाम वहाँ रेमुणा में कोई नहीं जानता था और माधवेंद्रपुरी उसी समय आए हुए थे, तो ऐसे कितने लोग आते जाते रहते हैं, कौन किसको जाने। या माधवेंद्रपुरी ने अपना किसी को परिचय दिया हो, माधवेंद्रपुरी नाम भी कोई नहीं जानता था और भगवान ने मतलब बताया माधवेंद्रपुरी, तब वो जो है मतलब बोलता है कि माधवेंद्रपुरी नाम के कौन व्यक्ति हैं है? जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर का ये पात्र चुराया, उनके समान तीनों लोगों में कोई भाग्यशाली नहीं है। तो सोचिए एक तो वो सपना है जो आपने वैसे देखा, गुरु महाराज को देखा, भगवान को देखा, अच्छी बात है आपने देखा है ना। तो ये बातें तो आप जो है मतलब उन्हीं को ही बताइए जिनके बारे में, जिनको आप ये बातें ही बताते हैं, भगवान को आप लेके आते हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि आपने सपने में देख लिया। अच्छा है कि सपने में आप बुरे सपने देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के सपने देखते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा सपना देखना और ऐसे देखना जागृत अवस्था में तो ये कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न है? हाँ जी, धन्यवाद ऋषि कुमार। अच्छा पहले आप बोलो, आपने हाथ उठाया। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि हम जब विग्रह की सेवा करते हैं घर पे, आपने कहा था कि भगवान को कभी हमें यह नहीं समझना चाहिए कि पंचभूत से बने हैं, और जब हम विग्रह की सेवा करते हैं घर पर तब कभी कभी हमें असेस करना पड़ता है कि डेटी ब्रास की बनी है या कुछ, जब क्लीनिंग करते हैं स्पेशली, तो हमें उस टाइम क्या मूड रखना चाहिए। इनका प्रश्न सुनाई पड़ा सबको? नहीं, इनका ये कहना है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं अर्चा विग्रह की, तो ऐसा दिखाई देता है कि वो ब्रास की बनी है या पत्थर की बनी है, तो उसमें क्या सोचना चाहिए। तो यही सोचना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं सोचने की विधि, कि प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा मतलब समझाया है, हर बात को इतना अच्छा समझाया है कि मतलब ऐसा कभी किसी ने समझाया नहीं, ऐसा प्रभुपाद ने समझाया है। कि हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि चूंकि हमारी जो इंद्रियां हैं असत ग्रह हैं, असत देखती हैं, भौतिक चीज़ें देखती हैं, हमारे जो नेत्र हैं ये भौतिक वस्तु ही देख पाते हैं, तो भगवान की कितनी कृपा है कि उन्होंने अपने को भौतिक वस्तु में प्रकट किया है, आप समझे हैं। तो पत्थर में भी जो है आपने, भगवान ने अपने को प्रकट किया क्योंकि हम पत्थर ही देख पाते हैं, तो पत्थर में भी भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया है ना। और भगवान प्रकट कर सकते हैं अपने को क्योंकि पत्थर भी भगवान की शक्ति है, ये पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये भगवान की ही शक्तियां हैं, है ना। तो भगवान जहां चाहें वहां अपने को प्रकट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से चूंकि हमारे पास वो नेत्र नहीं है कि हम भगवान के उस दिव्य रूप को देख पाए हैं, जो कि छठवां तत्व है यानी पंच तत्व से अलग है, चूंकि हमारे भौतिक नेत्र हैं, भौतिक वस्तुएं देख पाते हैं, तो भगवान की कितनी कृपा है कि वे इस रूप में भी प्रकट हुए हैं,
और हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें हमेशा अपनी कमी देखना चाहिए कि मेरे पास इतनी कमी है, मेरी इतनी कमी है कि मुझे जो है भगवान वो डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, वो मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं कि मैं उनको और किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता हूँ और क्या सेवा कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपकी सेवा में कुछ कमी होती है तो भगवान फिर जो है आपको कुछ सपना देंगे या किसी और को सपना देंगे, वो आपको बताएगा। अगर डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट तो सनातन गोस्वामी से बोलते थे, गौरीदास पंडित से बोलते थे, लेकिन डायरेक्ट अगर नहीं बोलते हैं तो आपको ही सपने में बोलेंगे और ऐसी बातें बोलेंगे कि आप वैसे जान नहीं सकते हैं, ऐसी बातें बोलेंगे स्वप्न में, है ना। बहुत सी बातें फिर पता चलती हैं। तो ये सब जो है भगवान का जो है निर्देशन होता है कि भगवान स्वयं जो है इस तरह से बोलते हैं। जब तक ना बोलें तब तक हमें शास्त्र, साधु आचार्य, इनके मार्गदर्शन में हमें सेवा करनी है, ठीक है ना। जो अपने सीनियर हैं उनके मार्गदर्शन में, उनकी आज्ञा लेकर के आप जो है सेवा कर सकते हैं। लेकिन समझना चाहिए कि हमारी स्थिति बहुत गिरी हुई है, आप समझे ना। तो ये दीनता कहलाती है, ये विनम्रता कहलाती है कि हम अपनी स्थिति को समझें कि हम कितने गिरे हुए हैं। तो जब हम ऐसी घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं कि भगवान ऐसा भी मतलब भक्तों को अपना डायरेक्शन देते हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमें अगर भगवान नहीं दे रहे हैं डायरेक्शन तो इसका मतलब हम गिरे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात है वो यही है कि लोकपाल जो है अपने को गिरा हुआ मानते हैं कि हमारे अंदर इतना घमंड है, हम इतने ऐश्वर्यशाली हैं, हम भोक्ता हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये भाव है कि हम भोक्ता हैं तो हम कैसे आपको देख सकते हैं। भगवान को देखने का मतलब है कि भगवान को भोक्ता समझना, कि भगवान भोक्ता हैं, भगवान ईश्वर हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। हम अपने को सोचते हैं कि मैं सब पर दया करने वाला हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, है ना। तो भगवान को हम नहीं देख सकते, तो हमारी आँखें जो है इस अंधकार में ढकी हैं, इस घमंड में हमारी आँखें जो है ढकी हुई हैं, ठीक है ना। और कुछ? हाँ जी, ऋषि कुमार, हैंड माइक ले लो, जल्दी करो, कोई किसी की ड्यूटी होना चाहिए ना हैंड माइक लेने की। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन था। विशेष करके ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि भगवान को देखने की सही विधि यह है कि खुद को पहले मान लेना कि मैं देख नहीं सकता। सबको सुनाई पड़ रहा है? भगवान को मैं देख नहीं सकता, यदि मैं ऐसा मानूं तो वही सबसे। और ऊंचा ऊंचा बोलो। भगवान को यदि मैं ये मानता हूं भगवान के सामने कि मुझे भगवान दिख नहीं रहे हैं, तो यही सबसे बड़ी योग्यता है भगवान को देखने की। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान को दीनता अच्छी लगती है, ये पॉइंट आपने बताया था, दीनता, भगवान को दीनता अच्छी लगती है। तो मेरा प्रश्न है कि भगवान के सामने कभी कभी प्रे करते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन बहुत खोखला लगता है, दिल से नहीं होता। तो ऐसे थियोरेटिकली कम से कम बोलते रहने से ये भाव हमें आएगा कि ऐसे कहते रहना चाहिए? कभी कभी लगता है ये भी हिपोक्रेसी है कि बाहर तो वैसे दिखता नहीं है बिहेवियर। और उसी से संबंधित एक और प्रश्न था कि आपने बताया कि जब भगवान को सबसे बड़ी सामग्री हम अर्पित करेंगे, सबसे बढ़िया सामग्री अर्पित करेंगे, तो हो सकता है ये स्थिति आए कि भगवान आपसे स्वयं वार्तालाप करें। तो मेरा प्रश्न ये था कि पहले बाहर मंदिर के बाहर रहते थे तो आते थे, कुछ ना कुछ भगवान को अर्पित करने के लिए लाते थे। अभी जबकि फुल टाइम आ गए तो बस उठ के आ गए मंदिर में, आरती कर ली, वापस निकल गए। फिर किस प्रकार से इसका सामंजस्य? अच्छा प्रश्न है। ऐसा है कि जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो उनके लिए तो पहले से ही नियम है, जो मंदिर के पुजारी हैं तो उनके लिए पहले से ही सब नियम हैं, बताए गए हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। तो वे जो है अगर पवित्रता के नियमों का पालन करते हैं बहुत अच्छी प्रकार से, और सबसे बड़ी चीज़ है साधना, कि जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी सुनने के लिए बैठे हैं, कि सुनना ही सबसे बड़ी जो है विधि है जिसके द्वारा हमारी शुद्धि होती है। क्योंकि जब तक हम सुनते नहीं हैं तब तक हम जो है अपनी गिरी हुई स्थिति को नहीं समझ पाते कि वास्तव में हम कितने गिरे हुए हैं,
है ना, और दूसरे भक्त हैं वो कितने उठे हुए हैं, हम उनकी स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इसलिए सुनना और भक्तों के द्वारा सुनना या शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनना ये बहुत शक्तिशाली विधि है। अब ये जरूरी नहीं कि जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं शुद्ध भक्त हूँ, ऐसा नहीं है, है ना। लेकिन अगर हम शुद्ध भक्तों की ही बात बताते हैं, जो परंपरा है गुरु परंपरा उसी की बात बताते हैं, तो एक दृष्टि से मैं शुद्ध भक्त हूँ या मैं शुद्ध हो रहा हूँ, है ना। तो ये जो सुनने की विधि है ये मतलब बहुत शक्तिशाली है, जिसमें कि आप सचमुच आपको महसूस होगा हाँ कि हाँ आप गिरे हुए हैं। ये उसी प्रकार से जैसे कि भूख लगती है ना, तो फिर ये दिखावा नहीं आप कर रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। आपको सच में भूख लगी है तो फिर आप पाने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं कि मुझे कहीं चाहिए, आप समझे ना। उसी प्रकार से श्रवण के द्वारा भक्तों के संग में जब आप श्रवण करते हैं तो आपको जो है वो असली प्यास मतलब लगती है कि हाँ मुझको भी जो है मतलब ऐसा भगवान का दर्शन होना चाहिए, मुझे भी कि मुझे भी जो है भगवान का इस प्रकार से संबंध होना चाहिए, है कि जो है भगवान संबंध बनाए, है ना। और हम इतने योग्य नहीं हैं तो हम फिर जो है भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आपके दास के दास के दास का दास मैं बन जाऊं, कि मैं भगवान के साथ ऐसे संबंध नहीं बना सकता और किसी जन्म में भी नहीं हो पाएगा, है कि भगवान के साथ डायरेक्ट मैं बात कर सकूँ, हाँ किसी भी जन्म में संभव नहीं है मेरे लिए। तो मैं जन्म जन्म आपके भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के नीचे भक्त की सेवा करूं और उसको प्रसन्न करूं किसी प्रकार से, तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैं आपके दास के दास के दास का दास बन जाऊं। तो आप जो है भक्त के साथ अगर अच्छा संबंध बनाते हैं तो ये भी जो है बहुत बड़ी प्राप्ति है कि आपने बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त कर ली, है ना, कि भक्तों के साथ आपने अपना संबंध बना लिया, अच्छा संबंध बना लिया। हाँ वाणीनाथ प्रभु, अच्छा और ठीक है ठीक है। हाँ इनका कहना है कि बाहर से आते थे तो कुछ ना कुछ लाते थे। हाँ बाहर से जब आते हैं तो ये विधि है कि कुछ ना कुछ लाएं, लेकिन अगर बाहर से आप आते हैं केवल सुनने के लिए तो आपके लिए लाना जरूरी नहीं है, तो फिर आपके लिए लाना जरूरी नहीं है। अगर आप सुनने के लिए आते हैं बाहर से तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप फिर अपना जो है क्या दे रहे हैं, हाँ अपने कान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं, अपना ध्यान दे रहे हैं भगवान को, तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप बाहर से लाए कुछ फल फूल लाए, भेंट कर दिया भगवान को, है ना, लेकिन अपना दिल तो आपने दिया नहीं और दिल लेके चले गए, लेकिन आपने दिल दिया भगवान के सुनने में, अपना दिल लगाया, अपने कान लगाए, अपना दिमाग लगाए, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने दिया। समय नहीं मेरे पास, मैं भगवान को जो है फूल फल अर्पण करके चला जाता हूँ, बाकी मेरे पास टाइम नहीं है। आप टाइम दे रहे हैं यहाँ पर सुनने के लिए, भगवान की बात सुनने के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने दिया, आप समझे ना। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से आए तो फूल और फल या कुछ ना कुछ लेके आए, यही नियम है, क्योंकि ये जो हमारे मंदिर हैं इस्कॉन के मंदिर हैं, प्रभुपाद ने जो बनाए हैं इस्कॉन के मंदिर, यहाँ भगवान का संदेश दिया जाता है, दूसरे मंदिरों में नहीं मिलता संदेश भगवान का। तो ये जो है प्रभुपाद ने जो मंदिर बनाए हैं प्रचार केंद्र हैं ये, कि कोई व्यक्ति आए तो उसको आप दीजिए संदेश दीजिए भगवान का। तो इसलिए उस व्यक्ति को जो है फिर ये कहने की आवश्यकता नहीं कि भाई ये लेके आओ वो लेके आओ, तुम अपना दिल लेके आओ, अपना समय लेके आओ और यहाँ पर दो, अपना समय दो, अपना ध्यान दो, है बात को सुनो समझो, है ना। तो प्रभुपाद जी की किताबें दी जाती हैं, तो कोई प्रभुपाद की किताब लेकर के जाता है, है ना, तो उसने बहुत कुछ दे दिया, क्योंकि फिर वो अपना समय कभी भी दे सकता है भगवान को, तो कितना बड़ा लाभ है कि मंदिर में वो आया है तो कभी आया कभी टाइम नहीं मिला, लेकिन किताब उसने ले ली प्रभुपाद की, तो कभी भी उसके पास समय होता है वो किताब देखता है, तो उसने अपना समय दे दिया भगवान को, तो ज़्यादा दिया ना। मंदिर में आकर के उसने दर्शन किया तो उसने ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तक लेकर के वो जो है पढ़ता है, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, तीन बार पढ़ता है, तो उसने कितना दिया, ज़्यादा दिया, ठीक है ना। और फिर वो और सेवा करता है और प्रचार करता है, लोगों को लाइफ मेंबर बनाता है, लोगों को भक्त बनाता है, किताबें बांटता है, तो कितना किया। तो अब तो मतलब कुछ ज़्यादा महत्व तो नहीं है कि आप कुछ लाएँ लेके आएँ,
आप अपने को लेके आ गए तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ और बाणीनाथ प्रभु। अच्छा फिर बी एन ब्रजनाथ प्रभु, हाँ बोलिए। क्विक क्विक, यस बहुत देर लगा रहे हैं। अरे वो प्रभुपाद यूज्ड टू से डोंट ट्राई टू सी गॉड, जस्ट डू सम सच वे दैट गॉड सी यू। सो व्हाट डस इट मीन एक्चुअली द आवर क्वालिफिकेशन इज व्हिच इज आवर रियल क्वालिफिकेशन टू कम द पॉइंट हाउ टू सी गॉड। This qualification is our eagerness. Eagerness to see God. It is not forbidden. It is eagerness to see God. Actually, the creating the desire to do everything very fast, very important, which is finally will bring us on the platform of platform when we can see God. So that is a. That is a very important moment because during our life, if we are losing this goal, if we don't have this eagerness, so we will not get so much interest about hearing about Lord, mm-hmm. about His glorious His name. So this type of activities only possible when we are really understood the glories of the Lord, when we really. Really have this eagerness to come to return back home. Thank back you, thank you, thank you, thank you. तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा बात बताई। प्रभुपाद ने ये कहा है या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बल्कि इस प्रकार से कार्य करो कि भगवान आपको देखें। तो वही बात है कि हम भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास आंखें तो है नहीं, ठीक है ना। तो वो आंखें जो है जब हमें प्राप्त होंगी तभी तो हम भगवान को देख पाएंगे। जैसे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन दे रहे थे तो शेष साई वो कोसी में थे प्रवचन दे रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए जो है चुनाव था कि वे उनका प्रवचन सुने या कुछ लोग शेष साई में जाकर के दर्शन करेंगे। तो प्रभुपाद जो है उस समय उन्होंने सोचा कि शेष साई में तो दर्शन कभी भी हो जाएगा, लेकिन मैं तो प्रवचन सुनूंगा, प्रवचन तो हमेशा नहीं मिलेगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है प्रभुपाद के इस विचार से बहुत प्रसन्न हुए, और जो शिष्य लोग गए थे शिष्य साई का दर्शन करने, तो उन्होंने क्या कहा उनसे कि आपके आंखों की एक्सरसाइज कैसी रही, आपके आंखों का व्यायाम कैसा रहा, कि शिष्य साई को आपने देखने का प्रयास किया लेकिन जब तक आप सुनते नहीं हैं तब तक आपके पास कैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें और भी चर्चा हो सकती है बट वी डोंट हैव टाइम। तो ब्रजानंद प्रभु का कुछ प्रश्न है या समीक्षा है, माइक दो जल्दी से, इस समय बहुत कम है। माइक जल्दी से, किसी की ड्यूटी होना चाहिए, कोई हो दौड़ करके जाए, जल्दी से जल्दी करो, किसी की ड्यूटी लगाओ एक माइक के लिए। हरे कृष्णा भोज, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया प्रभु जी, और जो आप बता रहे थे कि किस तरह से जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं उन्होंने स्वयं आदर्श प्रस्तुत किया है, वे महान हो करके भी कभी अपने आप को महान नहीं समझा। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने भी अपने आप को कहा कि मुझ जैसा दुराचारी कोई हो ही नहीं सकता, और मम श्रम पतित प्रभु न पैब आर। जितने वैष्णव आचार्य हैं महान होते भी कभी अपने आप को महानता नहीं स्वीकार की। ये हमारे वैष्णव आचार्य ने स्वयं आदर्श प्रस्तुत किए हैं। जैसे प्रभुपाद जी, कभी जब प्रभुपाद जी बात होती है प्रभुपाद जी सारा श्रेय अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को देते हैं। तो ये सब आदर्श हमारे सामने हैं और हमें सब भक्तों को इसी तरह से करना चाहिए कि हम स्वयं वास्तव में हम सब पतित हैं और हमारे वैष्णव आचार्य। बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।